Hello, friends, welcome to Siksha. How are you all? So I hope preparing well for your examination. So, friends, this is lecture number 14 on your UPSC previous year questions on general science. Once again, very important for your EPFO examination, and we'll do the five questions as usual. And you have to see the question, try to answer them and then proceed with the explanation. Alright. So, friends, for support, you can uh, WhatsApp me on 904 or email me at 60th at the red gmail.com the courses MCQ courses are there in the description link you can go and purchase them you can use the coupon code sale 50 and the pdf file will be available in the description itself okay so you have to pay a minor charge for the pdf as well uh, with that particular purchase of just rupees 99 you get all the pdfs from all the subjects that are there in your UPSC PFO. All right. So let us start with the first question. First of all, magnesium is used in. In which of the following is magnesium used? Gemstone in jewelry. Hmm. दूसरा कह रहा है कि examination करने के लिए elementary canal of the patient का. तीसरा water purification में और पहला क्या था कि fireworks के लिए to make bright white light. ये पिछले कुछ सालों में news में भी काफी ज़्यादा था. चलो वैसे तो मैंने आपको hint already दे ही दिया है. तो let us सीधा answer. द आंसर इज़ इट इज़ यूज इन फायर वर्कस ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बैन वगैरह भी काफ़ी लगाया था जो ग्रीन क्रैकर्स वगैरह बनाने की जब बात चल रही थी तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा था ओके सो so, एक बार मैग्नीशियम के यूजेस देख लेते हैं हम लोग सो so, सबसे पहले तो uh, ये जो लाइट वेट प्रोडक्ट्स बनाने की जब जहाँ पर ज़रूरत होती है वहां पर काम आता है ठीक है जैसे लैपटॉप लगेज बैग्स कार सीट्स पावर टूल्स जो आपके लाइट वेट होने चाहिए जो एक कस्टमर की डिमांड होती है कि लाइट वेट में अपने को चाहिए तो वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है दूसरा इसको फायर में स्पार्कलर्स में फ्लेयर्स में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ईजिली इग्नाइट हो जाता है एयर की प्रेजेंस में और ब्राइट लाइट शो करता है बर्निंग के टाइम पर इसीलिए जो क्रैकर्स वगैरह में ब्यूटीफुल कलर्स और पैटर्न्स आपके बनते हैं उसमें मैग्नीशियम का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है उसके अलावा अगर आप देखो थर्ड पॉइंट एक्सप्लोजिव और पायरोटेक्निक डिवाइसेस बनाने के काम आता है कंपाउंड फॉर्म में भी ये आपको मिल जाएगा ओके okay? जो इसका कंपाउंड फॉर्म होता है उसमें इसको एज अ ड्राइंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है Uh, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो आपका एक फायर रिटार्डेंट प्लास्टिक बनाने में आपको हेल्प करता है जो फायर को रेजिस्ट कर सके साथ ही साथ ये जो मैग्नीशियम uh, हाइड्रोक्साइड है इसको एज अ फीड भी uh, जो है कैटल को दिया जाता है हीट रेजिस्टेंट ब्रिक्स बनाने के लिए भी ये काम में आता है एम एलिमेंट बायोलॉजिकल स्पेयर में भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है प्लांट्स को ये रिक्वायर्ड होता है फोटोसिंथिस पर्पज़ के लिए ह्यूमन बॉडीज़ में भी ये एक असेंशियल मिनरल जो है uh, उसका रोल प्ले करता है ठीक है मल्टीपल एंजाइम्स की फंक्शनिंग में आपके ह्यूमन बोन्स के लिए भी वाइटल ये माना जाता है ओके okay? मेडिसन्स में भी इसको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल माना जाता है स्किन ट्रीटमेंट डिजीजेस के लिए एंड मेटल इज ऑफन यूज इन एरोस्पेस इंडस्ट्री ऑल्सो एलॉयज की फॉर्म में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है तो आप देख रहे हो कि मल्टीपल एरियाज में आपके मैग्नीशियम के जो यूजेज हैं वो रहते हैं चलो सेकंड क्वेश्चन देखो विच अमंग वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोड्यूसेस अ रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोस थ्रू इट अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू करोगे कौन सी लाइट के तो आपको रेड लाइट मिलेगी अगर आप व्हाइट लाइट पास कर रहे हो तो रेड कलर की लाइट जो है वहां से निकलेगी हीलियम आर्गोन नाइट्रोजन और नियॉन सो द आंसर हेयर विल बी ऑप्शन डी नियन देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है सारे अगर जनरल साइंस की किताबें पढ़ी हैं सिक्स टू टेंथ क्लास की एन पढ़ी हैं तो फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि डायरेक्टली उन्हीं किताबों में से ये क्वेश्चन आपके उठा करके पूछे जाते हैं ठीक है तो इसमें बहुत सारी गैसेज आती हैं जिनमें से अगर आप वाइट लाइट पास करते हो तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो हैं वो शो करेंगी तो वो सारे के सारे आपसे पूछे जा सकते हैं जैसे अभी आपसे पूछ लिया कि भाई रेड लाइट के लिए कौन सी गैस आती है नियॉन तो आपसे वो ये भी कह सकता था क्वेश्चन को उल्टा भी दे सकता था कि इफ वाइट लाइट इफ वाइट लाइट इज पास्ड थ्रू वाइट लाइट पास थ्रू नियॉन गैस ठीक है वो इस तरह से अगर आपसे पूछ लेता कि वाइट लाइट को हम नियॉन गैस के थ्रू पास कर रहे हैं तो उस केस में जो कलर है वो कौन सा प्रोड्यूस होगा लाइट का तो आप कह दोगे रेड ठीक है तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है या वो आपसे पूछ सकता है कि हाइड्रोजन से अगर आप लाइट पास करोगे तो ब्लू वाइलेट आ गया ठीक है हिलियम से पास करोगे तो पिंक ऑरेंज आ गया नियॉन से रेड और आर्गन से वायलेट आ गया क्रिप्टॉन से लेवेंडर कलर आएगा ऑक्सीजन से भी ब्लू वायलेट आएगा मर्करी से भी ब्लू वायलेट आएगा जेनॉन से ब्लू आएगा और वाटर से वेपर पिंक आएगा तो ये टेबल आपके लिए एक इनडिस्पेंसेबल टेबल है इसको आपने याद करके रखना है ठीक है अपने चाहे इसको कॉपी के अंदर जो है इसका स्क्रीन भी आप लेकर के रख लो ओके right, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इनमें से कौन सा प्लेटलेट्स का एक मेजर फंक्शन है बायो का क्वेश्चन है बहुत जनरल से क्वेश्चन है बहुत बेसिक क्वेश्चन है इनको आप एडवांस क्वेश्चन नहीं कह सकते हो अगर छठी से दसवीं तक की डेफिनेटली एनसीआरटी पढ़ी है तो ये आंसर्स बहुत ईजी हैं क्लॉटिंग करने के लिए काम आता है ओटू का ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अंदर इम्यूनिटी इंक्रीज करता है बॉडी का और अ, 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 और द लास्ट ऑप्शन इज फेगोसाइड का इसका फंक्शन होता है तो आपको ईजी सब आंसर है इसका बहुत लेकिन पढ़ा है तभी आंसर कर पाएंगे एंड द आंसर इज ऑप्शन ए ब्लड क्लॉटिंग में आपका प्लेटलेट्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है और ये बेसिकली सेल फ्रेगमेंट्स हैं जो आपके मेगा कैरोसाइट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ये स्पेशल सेल्स होते हैं बोन मैरो के अंदर वो आपका प्रोड्यूस करते हैं प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स को ब्लड के अंदर नॉर्मली आपका डेढ़ लाख से लेकर के साढ़े तीन लाख प्लेटलेट्स एमएम क्यूब होता है ठीक है ये भी आपको याद होना चाहिए में में देखने को मिलती है। प्लेटलेट्स आपके वेराइटी रिलीज करते हैं ज्यादातर है? या जिसको आप क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहते हो उसको करने का काम करते हैं अगर आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आपको हो सकता है वो हो सकता है क्लॉटिंग डिसऑर्डर ओके okay, जिससे आपकी बॉडी से एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है ओके सो प्लेटलेट्स का सीधा सा क्वेश्चन था थ्रोम्बोसाइड्स uh, पता होना चाहिए uh, कौन प्रोड्यूस करता है कौन से सेल्स प्रोड्यूस करते हैं मेगा कैरोसाइड्स प्रोड्यूस करते हैं ये स्पेशल सेल्स हैं बोन मैरो के ये भी पता होनी चाहिए ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ह्यूमन बॉडी में वो हॉर्मोन द हॉर्मोन विच इज सिक्रेटेड इन टू ब्लड एंड विच कंट्रोल्स द रेट ऑफ हार्ट बीट ब्लड के अंदर कौन सा हॉर्मोन सिक्रेट किया जाता है जो आपकी हार्ट बीट को भी रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है एड्रेनालिन, थारॉक्साइन इंसुलिन और टेस्टोस्टिरोन बताओ जी इजीजा क्वेश्चन है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको द आंसर इज ऑप्शन ए एड्रेनालिन इज द करेक्ट आंसर ओके सो अगर हम एड्रेनल मेड्यूला की बात करें तो एड्रेनल मेडुला जो होता है आपकी बॉडी के अंदर ये दो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है वन इज योर एड्रनिलाइन एंड सेकेंड वन इज योर Okay? Hmm. इसको प्रोनाउंस हम कैसे करते हैं अगर आप इसकी गूगल प्रोनाशिएशन देखोगे इट इज प्रोस लाइक इसको बोलते हैं यहाँ पर ठीक है तो epi, अगर आप नॉर्मली इसको प्रोनाउंस करोगे तो एपी नेफरिन बोलोगे अगर बिना प्रोनाउंसिएशन चेक कर, करे पड़ोगे पर अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन करेक्टली चेक करोगे तो इट्स एपू ने एंड देन द नेक्स्ट इज नोरू ड्रेनोलिन नोरू ड्रेनोलिन इसको भी हम कैसे ये देखो सारे थोड़े डिफिकल्ट टर्म्स हैं जो डिफिकल्ट टर्म्स होते हैं ना उनको अगर आप गूगल प्रोनाशिएशन चेक कर लेते हो तो वो याद करने थोड़े से याद हो जाते ईजी uh, हो जाते हैं ठीक है दिस मेथड इज़ ऑल्सो यूज बाय मी क्योंकि हूँ तो मैं भी हिंदुस्तानी इतने uh, उल्टे सीधे शब्द बोलने में जुबान हमारी टेडी होती है तो दिस इज नोरू ड्रेनोलिन ओके तो अगर प्रोनासीशन आता होगा तो याद करने में अपने को कंपेरेटिवली ईजी हो जाता है तो एड्रेनिल मॉड्यूला दो हार्मोन से क्रिएट करता है एड्रेनिल जिसको आप क्या बोलते हो एंड द नेक्स्ट वन इज नोरूड्रेनिन और नोरूड्रेनिन को और क्या बोला जाता है नॉरूड्रेनिन को हम और बोलते हैं इसको भी अगर प्रोनाउंसिएशन आप देखोगे नो पी नेफ्रन ओके सो ये इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ऑल राइट दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज अब दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज कैटू स कैटे ओके, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है ओके okay. सो so, इसको इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है तो दो हॉर्मोन्स हैं एड्रेनिल एंड एपुनेफ्रिन एड्रेनिल और एपुनेफ्रिन ये एक हो गया एड्रेनिल को एपनेफ्रिन भी कहा जाता है और दूसरा क्या है आपका नोरूड्रेनिन और नोरेपिनिफ्रिन ठीक है और इन ये कॉमनली इनको क्या कहा जाता है इन दोनों हॉर्मोन्स को कॉमनली इनको कहा जाता है कैटिक ओके नो एड्रेलिन और जो आपका नॉरोड्रलिन है ये रैपिडली सिक्रीट किए जाते हैं अगर कोई भी स्ट्रेस है आपकी बॉडी में तब ये इमरजेंसी सिचुएशन में इनको रिलीज किया जाता है हॉर्मोन्स को और इसी वजह से इनको फाइट और फ्लाइट हॉर्मोन्स भी कहा जाता है ऑल राइट right. नॉ दीज हॉर्मोन्स इंक्रीज अलर्टनेस आपकी बॉडी के अंदर अलर्टनेस इंक्रीज कर देंगे प्यूपलेरी डाइलेशन आपको देखने को मिलेगा आपके हेयर्स जो हम कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए वो वाली चीज़ मिलेगी बॉडी में स्वेटिंग होना शुरू आपका हो जाएगा ये दोनों हार्मोन्स आपका हार्ट बीट रेट इंक्रीज कर देते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रेट ऑफ रेस्पिरेशन सब कुछ इंक्रीज कर देंगे ओके देन योर कैटेकोलोमीन्स जो हैं ये आपका जो ग्लाइकोजन होता है बॉडी के अंदर उसका ब्रेकडाउन को भी स्टिमुलेट कर, कर देते हैं फास्ट कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज कर जाता है ओके इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑल राइट नाउ अस सी द लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन क्या है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींगस द एक्चुअल प्लेस ऑफ गैसियस इज रेस्पिरेशन हो रही है अगर ह्यूमन बींग्स के अंदर तो गैसियस एक्सचेंज कहाँ पर आपका एक्चुअली होता है ब्रोंकाई में नेसल पैसेज में एल्वेलॉय में या ट्रेकिया में गैसियस एक्सचेंज कहाँ पर होगा तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन सी एलवेलॉय एलवेलॉय में आपका जो है गैसियस का uh, जो एक्सचेंज है वो आपकी बॉडी के अंदर होता है सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑल सो विद दिस गाइस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी हैव डन अदर वेरी इंपॉर्टेंट फाइव क्वेश्चन ऑल आई होप डू liked डिट सो प्लीज शेयर द चैनल प्लीज लाइक द वीडियो जितना हो सके आप उतना चैनल को शेयर करें जितना रीच बढ़ेगा उतना ज्यादा कंटेंट हमारे लिए पॉसिबल होगा आपको प्रोवाइड कराना ठीक है चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय